अज दा प्रसंग भंगाणी दा युद्ध है। ये युद्ध दसवें श्री गुरु नानक देव जी दे चोजी स्वरूप श्री गुरु गोविंद राय जी दे जीवन काल दा पहला युद्ध है। उंज गुर इतिहास विच ਇਹ ਪੰਜਵਾਂ ਯੁੱਧ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਯੁੱਧ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਮ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੜ, ਜੋਰੂ, ਜ਼ਮੀਨ। ਇਹ ਕਾਰਕ ਹਨ ਯੁੱਧ ਦੇ। ਲੜਨ ਦਾ ਸਾਜੂ ਸਮਾਨ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਵਨਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ। ਸ਼ਸਤਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਨਸਤਰ ਕਿਸੇ ਵੈਦ ਹਕੀਮ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਸਰਜਨ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਨਸ਼ਤਰ ਸ਼ਸਤਰ ਬਣ ਕੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਾਲਮ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਲੁੱਟ ਮਾਰ, ਕਤਲੋਗਾਰ, ਇੱਜ਼ਤ ਆਬਰੂ ਨੂੰ ਰੋਲਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਯੁੱਧ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ, ਦੋ, ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਦੋ ਦੋ ਕਰਕੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਬੜਾ ਆਸ਼ਚਰਜ ਕੌਤਕ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਆਏ ਯੁੱਧ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਹ ਬਚਾਓ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰ ਹੈ, ਨਾ ਜੋਰੂ ਹੈ, ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਜੰਗ ਹੋਏ? ਕਾਰਨ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਅਧਰਮ ਦਾ ਹੱਲਾ ਹੈ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਹੱਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏ। ਤੱਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਾਲਮ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਬ ਆਪ ਕੀ ਔਧ ਨਿਧਾਨ ਬਣੇ, ਅਤ ਹੀ ਰਣ ਮੈਂ ਤਬ ਜੂਝ ਮਰੋ। ਜੇ ਹੱਥ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਹੱਥ ਤੋੜ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਸ਼ਸਤਰ ਚੁੱਕਣਾ, ਸ਼ਸਤਰ ਨੂੰ ਪੂਜਣਾ, ਸ਼ਸਤਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਇਹੀ ਯੋਗ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜ਼ਾਲਮ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸ਼ਸਤਰ ਹੈ, ਉਸ ਸ਼ਸਤਰ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇਣ ਲਈ ਧਰਮ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦਾ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਆਹਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਪੰਗਾਣੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਵੈਮਾਨ ਦਾ ਪਰਚਮ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਦਸਵੇਂ ਰੂਪ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਸ਼ਸਤਰ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੇਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਹਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਤੋਰਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਇਸ ਦਸਵੇਂ ਜਾਮੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਜੰਗ ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੀ ਗਾਥਾ
सरवण करिए। इस नूं भावपूर्त शब्दां दी वनगी विच परोया है, भावां विच भुगोया है दरवेश कवि संत कवि भाई वीर सिंह जी ने। एक वारी प्यार नाल सारे आखो सतनाम श्री वाहे गुरु। हिमालय दे पहाड़ां नूं छड के जमुना सिरमौर ते डेरे दी दून दे विचकारे जाए रुमक रुमक वगदी शवालक दे पैरां नूं आ चुमदी है ते इस दे एक पब जहे दी मानो परिक्रमा करके मैदाना विच जा निकलदी। इस कुमाटी खाण वाले थां ते इहदे पछों वाले पासे नूं पौंटा टिकाणा ये नगरिक वसिया दिसिया नवा है पर रौनकदार है। पहलों ही कुदरत ने इस नूं रमणीक बनाया होया सी, हुण कुदरत दे रसीए ने इस नूं चार चन्न ला दित्ते हन। इस मोड़ ते हरे हरे कचाह वर्गे रंग दा निर्मल प्रवाह अचरज तेजी नाल जांदा मन नूं मोहदा है। अज यमुना तो पार पूरबले किनारे वट्टियां वर्गे पत्थरां दे नाल विशे मैदान विच गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी जंगी सभा लगा रहे हन। चोणवें सिरकरदे बैठे हन ते विचार हो रही है। पहले सोच हुंदी रही कि क्यों हल्ला होण लगा है, फिर विचार छिड़ी कि किवें राजियां वालों आ रहे हमले दे मुकाबले ते उहदा टाकरे दे विच खलोना है जिस विच जीत होवे और अपना नुकसान भी घट होवे। सब तो पहली गल सी मैदान जंग दा टिकाणा चुनने दी। सो इस विचार हुंदी विच दया राम ब्राह्मण जो गुरु की सूरमिया विचों एक सी बोलिया हे प्रभु असी पौंटे नूं युद्ध टिकाणा ना बनाईए जो अपना ते अपने वसाए नगर वासियां दा नुकसान कुछ ना होवे। तद मामा कृपाल चंद जी बोले इस थां तों कोई छे कुकू उपर वाले पासे पंघाणी दे टिकाणे जिथे पारले पासे चूड़पुर ग्राम है जे उत्थे जंग मचाया जावे वह है वड्डा पतन। उत्थे उन्होंने इस उरार आके साडे पौंटे ते ताई करनी है, असी उत्थे ही उन्होंने रोकीए। यमुना दे किनारे खुला लम्मा मैदान है, फिर कुछ चढ़ाई है वह चढ़ के खुला मैदान है, असी उन्होंने इस मैदान ना चढ़न दईए, यह असी हुणे मल लईए ते वह हेठले मैदान विच रहण। यह भी एक जंगी चाल सी पर होनी भी चाहिए। युद्ध नीति विच जगह दा साजो समान दा ते दुश्मन दी शक्ति दा पता होना चाहिए। जिथे जंग होना उथे पानी जरूर होवे, जख्मियां नूं संभालण लई कोई राखवीं जगह भी होवे। आपां ऐसी थां दे उत्ते घाट बना लईए, उत्तों मारीए गोलियां, तीरां दी करिए बरखा ते फिर आमो सामने करिए हमला। इस रस्ते ही कुमकां कलिए ई जंग युद्ध दी नीति बना के दसी जा रही है। मामा जी दी ई व्योंत साहिबां ने सलाई ते होर जथेदारां ने भी पसंद आई। मामा जी दी ए व्योंत साहिबां ने सलाही ते होर जथादारे दे भी पसंद आई। इस तो उपरंत जथियां दी वंड होई, समान दी जांच पड़ताल ते विचार होई। इस वेले नंद चंद ने दस्या है कि एक सिख बहुत घोड़े कट्ठे करके आप वास्ते लिया रहा सी। भीम चंद ने पता लग जाण करके उन्हां वल्लों कुछ रोक दा विचार होया
पर असी अपने सवारां समेत पहुंच गए ते उन्हां नूं उतावल नाल भजा के नाल लै आए हां। इस गल नाल सतगुरु जी प्रसन्न होए ते हुक्म दिता कि यह घोड़े सिख सुदागर तो लै ले जाण ते कल इन्हां दी वंड सुरमियां प्रति करांगे। फिर वैरी दल की सैना ते उन्हां पास समान की विचार हुई। चाहो यह अंदाजा अपनी सैना तो बहुत वधीक सी, परंतु अपनी वीरता ते जंगी व्यवंता की प्रबलता ते साई भरोसे दे आसरे निश्चिंत जीत ते किसी नूं शक नहीं सी ते ना यह भाव इस तरह का पद सी कि जिस विच बुद्धि ते बल बेपरवाह होकर मनोरथी गुआ लैण। सारे मामले ते विचार मगरों उठे किनारे ते आए, अगे बेड़ियां तैयार सन, सारे चढ़ के उरारले पासे पौंटे आ गए। जद किले विच अपड़े जो कच्ची गढ़ी वांगों उच्चे थां बना लिया होया सी तां दूसरा सुईया आ गया जिसने दस्या है कि फतेह शाह दे टिकाणे तैयारी जोर शोर नाल हो रही है। इस तों वैरी दल ते समान दा होर अंदाजा भी लग गया। इसने यह भी दस्या है कि फौज तो छुट पिंडां दी छेड़ भी इकट्ठी होई पई है जो गिनती नूं होर वधाएगी। यह सुन के गुरु जी समझे कि यह अणसिखी भीड़ है, अक्सर हार दा कारण बन जाया करती है। जिस वेले पै लुट तां यह लुट दी शरीक सब तो अगे होके ते जदों पैर खिसकण तां इह नसण वे सब तो मूहरे। फिर आप जी ने पूछया है कि उधर सैना दे आगू कौन कौन नितरे हन। तां उस जसूस ने दस्या है हन तां कई, पर जो मुखी हन एक ते है फतेह शाह आप लड़ेगा, हरिचंद मधकुर जसवालिया, गाजी चंद कुलूपति, राम सिंह जम्मू वाला ते डडवारिया ते कटोचिया कृपाल। इन्हां तो छुट गुलेर दा भोपाल, कोट लहर आदि के कई होर राजे हैं जो मोहरे होके लड़नगे। हो चुकी व्योंत मुजब एक निक्का जिहा जथा तां पार चला गया जो वैरी दल की पूरी सूह लैंदा ते भेजदा रहे। कुछ जते पंघाणी चले गए जो थां देख के डेरे पाउण ते रस्तां दे समान घोड़े बन्नण ते सिलहा खाना टिकाउण दे प्रबंध कर। सारे दल विच जदों तैयारी दा हुक्म पहुंच गया तां हुक्म अनुसार तैयारी आरंभ हो गए। गुरु जी दी सैना विच 500 पठान जवान सी। इन्हां नूं गुरु जी ने नौकर रख लिया होया सी। जापदा है कि इस विआह पर भीम चंद वल्लों जंग हो पैण दा अनुमान गुरु जी नूं पहलां तों सी, इसलिए जंग का समान ते नफर दोए वधाए जा रहे सन। इन्हां पठाणा की जो कथा है सो यह है, ये औरंगजेब के नौकर सन ते किसे खता करके उसने अपनी नौकरी तो कढ दित्ते सन। इन्हां दा वतन दामला करनाल दे जिले विच सी। बेनौकर होए ये सडौरे आए ते अपने पीर बुद्धू शाह नूं मिले। उसकी सिफारिश नाल यह पौंटे अपड़े ते गुरु जी ने नौकर रख लै। इन्हां 500 पठाणा दे सरदार दे नाम इस तरह सन, एक तां सी भीखण खान, फिर काले खान, नजावत खान, हयात खान ते पंजवें दा नाम सी जवाहर खान। इह सरदार अपने सवारां सने तनखाहां लैंदे जंगी करतब करदे रहे। अज दलां विच जंग दी तैयारी दा हुक्म होया तां इन्हां ने मिल के मसलत कीती कि जंग विच असी ना रलिए ते खिसक चलिए। सो कई गोंदां गुंद के अगले दिन गुरु की सेवा विच हाजिर होए ते छुट्टी मंगण लगे। इस वेले यह खबर सुखदाई किवें भी नहीं सी, ना हो सकती सी, पर गुरु क्या वल्लों इन्हां नूं समझौते दित्ते गए कि तनखाहां वधाउण दा भी भरोसा दिता गया। इथों ताईं कि तनखाह 5 गुणी कर देनी कही
पर उन्होंने एक ना मनी। संगो शाह ने अखीर यह भी आख्या कि जित के आए तो एक एक ढाल मोरां दी भर के देंगे, तद भी ना मने। तद संगो शाह ने आके गुरु जी ने कहा हुण वह रखने योग नहीं हन, हुक्म होवे तां लुट कुट के कढ दईए। तां सतगुरु जी बोले लुट्टो कुट्टो नहीं, जान दिओ। सो इउं वह चले गए। गए सन ये कह के किसी घर नूं चले आ, पर थोड़ी दूर जाके जमुना पार हो गए ते गढ़वाल दे रस्ते पै अगे राजा नूं जा मिले। इन्हां विचों इक काले खां अपने जथे समेत इत्थे रह गया सी। ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਮਕ ਹਰਾਮ ਹੋਣੋਂ ਵਰਜਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦ ਉਹ ਨਾ ਮੰਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾਲ ਨਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਿਮਕ ਹਲਾਲੀ ਲਈ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਰਹਿ ਪਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਦ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸੁਨੇਹਾ ਕੱਲਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਨਾ ਗਿਆ। ਤਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਨਮੁੱਖ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕੁਛ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਟੋਰਦੇ ਹਾਂ, तेरे ते किसी गलो नाराज नहीं है, भरोसा है तेरे ते। सो गुरु दा हुक्म मन के किसी होर थां चला गया, पर वैरी दल नाल जाके ओ नहीं मिलिया। पठान जो फतेह शाह दे दल विच जा मिले सन, उन्हां नाल फतेह शाह ने ऐद कर लिया सी कि तनखाहां ते होर इनाम तो वखरे फतेह हो गई तां तुसां नूं लुट माफ होवेगी। ਇਹ ਲੁੱਟ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਦਾ ਲਾਲਚ ਅਕਸਰ ਵੇਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜੰਗੀ ਜੋਰਾਂ ਵਾਲਾਂ ਨੇ ਵਰਤਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੀਵੇਂ ਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੀਣੇ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਠਾਣਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਸਨ ਕਿ ਸਾਰਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰ ਠੱਪ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਉਮਰਾਂ ਲਈ ਅਮੀਰ ਹੋ ਕੇ ਘਰੀਂ ਪਰਤ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਦਾ ਹੋਏ, ਉੱਧਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦਾ ਮਹੰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਨਾਮੇ ਜੋ ਚੰਗਾ ਤਪੀ ਪੁਰਸ਼ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਨਾਲ 500 ਉਦਾਸੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਸਾਧੂ ਵੀ ਕਸਰਤਾਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਲੜਨ ਯੋਗ ਕਰਤੱਵ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਰਵਾਣਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਸੁੱਟ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇਹ ਕਰਤੱਵ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣ। ਸੋ ਸਾਧੂ ਡੇਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਅਖਾੜਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਖਾੜਿਆਂ ਤੋਂ ਹੈ, ਇੰਝ ਮਲੂਮ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ 500 ਜਵਾਨ ਤਕੜਾ ਕੁਲੱਕੜ ਸੀ, ਪਰ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਡਿੱਠਾ ਕਿ 500 ਪਠਾਨ ਟੁਰ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਧਰ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਯੁੱਧ ਵਿਦਿਆ ਸਿਖਾਈ, ਨਵੇਂ ਹਨ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹਾਰ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਧਰ ਅੱਗੇ ਹੀ ਤਾਕਤ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਤਨੇ ਯੋਧੇ ਹੋਰ ਜਾ ਰਲੇ ਹਨ ਤਾਂ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਇਹ ਵੀ ਖਿਸਕੰਤ ਹੋ ਗਏ। ਸਵੇਰੇ ਜਦ ਆਪ ਜੀ ਪਾਸ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚੀ ਕਿ ਉਦਾਸੀ ਵੀ ਰਾਤੀ ਟੁਰ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿ ਕੋਈ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਡਲੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਮਹੰਤ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਤਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੁਸਕਰਾਏ ਤੇ ਬੋਲੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਜੜ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜਾਨ ਬਚ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਬਚ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਮਹੰਤ ਵੀ ਟੁਰ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਐਸੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਮਹੰਤ ਨੂੰ ਛੋੜ ਕੇ ਟੁਰ ਗਏ, ਚੇਲੇ ਹੋਰ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਜਾਓ ਕਿਰਪਾਲ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਜਦ ਮਹੰਤ ਜੀ ਆਏ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀਤਾ, ਮਹੰਤ ਜੀ ਚੇਲੇ ਕਿੱਥੇ? ਤਾਂ ਆਪ ਬੋਲੇ ਗੁਰ ਚੇਲੇ ਸਭ ਸਰਨ ਤੁਹਾਰੇ, ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਸੰਭਾਰਨ ਹਾਰੇ, ਤੁਮ ਹੋ ਗੁਰ ਪੂਰਨ
बल पारे। बड़े भाग कै प्राप्त होवा, संकट जन्म मरण को खोवा, ब्रह्मादिक सनकादिक सारे, शेख शारदा पाए ना पारे, ध्यान विखे जोग ईश्वर त्यावें, रिखे नारद ते आदिक गावें, चरण कंवल तुम करें आराधन, तप आदिक साधें गन साधन, हम लोकन के भाग बडेरे, लोचन गोचर तुमको हेरे, मन मानी को विषय ना होई, पाखत सत सिमरत सब कोई, अस प्रभ पाए कौन तज सके, जिसके पद सरोज सुर तक है, भूल चूक दासन ते होए, बख्शनहार प्रभु तुम सोए। विचार दी ए गल है कि जिस दल विच प्रसिद्ध जोधे 500 पिठ दे जान, टुरी ना जान, सगो अगों वैरी दल नाल मिल जान, उसका असर बाकी सेना ते कितना दिल टाऊ ते निराशता वाला हुंदा है। फिर जिस विचों 500 होर टुर जावे तां होर हौसलिया ते उत्साह नूं सट वजदी। 1000 दा घाटा ऐन जंग समय थोड़ी जी गल नहीं हुंदी, पर गुरु जी का अपना अचोक मन उत्साह विच है ते अपने सैनानियों विच वो उत्साह पर रख्या है कि कोई बेदिले नहीं होए, सब तैयार बर तैयार हैं, हरावली भंगाणी जा रहे हैं, मोर्चे बन के टिकाने संभाल रहे हैं, सच की नींह पर टेक रखने वाली नीति दे नेतिज्ञ ते नेता गुरु जी ने एक खत बुद्धू शाह वल लिखिया कि जो पठान आप नूं औरंगजेब वालों मौकूफ होए दस के नौकर होए सन, वह हुण पहाड़ी राजियां विच जा शामिल होए हैं। इस तरह का खत घल के आप हुण भंगाणी जाण की तैयारी विचारन लग पै, कुछ सैना ते जथेदार किले विच छड़े ते आग्या कीती कि भली प्रकार इत्थों दी रक्षा करनी है। उधर भंगाणी तो पहले कली सैना ने जो मुढ़ले प्रबंध करने सी उन्हां दे सिरे चढ़े जाण की खबर आ दित्ती। श्री गुरु जी की भूआ दे 5 पुत्र बड़े सूरमे सन ते उन्हां दलां विच जथेदार वांगू वंड दिता गया। 5 बड़े सूरमे ते युद्ध विद्या विच निपुण कीते हुए सन। 5 दा श्री गुरु जी नाल अत दा प्यार सी। सारियां तों वड्डा शंगोसा जो अयुद्ध विद्या दा निपुण उस्ताद सी ना, ते दूजा सी जीतमल, तीजे दा नां गुलाब चंद सी, चौथा गंगा राम ते 5वां माहरी चंद। ये बड़े उत्साह विच सन ते इन्हां दी सेना बड़े चाओ विच सी। हुण ये सारे तैयार सन कि खबर आई फतेह शाह दी फौज नेड़े आ रही है। गुरु जी की आग्ञा पा के 5 भरा आपो अपनी सेना नूं लै के भंगाणी वल तुर पए। इस तरह सारा समान करके श्री गुरु जी आप भी घोड़े ते चढ़ के टुरन लगे ते मगरे आप दी अपनी सेना भी टुर पई। पैसा भाई कवि संतोख सिंह जी लिखते हैं, उठी बंब उच्ची गणंग सैल गाज है, महावीर बंक के सबै शस्त्र रसाज है, हृदय उत्साहंग तुरंगी सो है, गुरु संग चाले महाजंग सो है, उठी तूर पूरंग नबंग शायलीना, प्रकाशंगना दिसे रमंग ढाप लीना, बंदी चुंग चौंपी चलाकी दिखावें, चले गोल आगे किंकान कुदावें, बंके वीर ऊंची सो मारा बाकारा, प्रभु को सुनावें पहाड़ी संघारा, बड़े बेग सो बायो जैसे बहंती, तथा सैन सारी सुशीघ्र चलंती, तथा मेघ उठी हड़ंग नीरा चाली, परमबद जैसे चमू बीग नाले। इस तरह एक फौज दे चलन दे नाल धूड़ उड़दी है, सूरज का प्रकाश ढकया गया, जिवें किते वेग विच पौण चलदी है,
इस तरह घोड़े चल रहे हैं। पंगाणे पहुंच के श्री गुरु जी ने सारी तैयारी देखी ते अपनी सेना दी व्योंत बन्नी ते जथे वंड वंड के मोर्चियां ते टिकाए। सेनापति जी लिखते हैं, भय असवार संग्राम को आप ही सिंह गोविंद तैं ठौर आए, डंक की घोर जैसे पई ठौर तह बजत निशान मोहरे सहाय, आन के खेत पै देख चतुरंग सब मोर्चे बांट के मिसल लाए, बजी है पेर करनाए सरनाए सब सुने ते सूर होए लाल आए। दुश्मन दलां विच जंग दा मूल हमलावर इस वेले फतेह शाह से, जो पदार्थ वाला ते नित्यग पुरख चंगा भला राजा से, बली सी सूरबीर सी, पर अज मत मारी गई। भीम चंद जो युद्ध का प्रेरक सी, तीर ते होर शस्त्र विद्या दा अपने समय दा बड़ा प्रवीण ते बली योद्धा सी। राजा हरिचंद भी उस तो घट नहीं सी, तीर अंदाजी दा उस्ताद सी। ऐसे ऐसे सूरमे उस वेले शत्रु दल विच सन जिन्हां नाल जंग करना कोई खेड नहीं सी। गुरु साहिब इस वेले चढ़दी जवानी, उमरा लगभग 20 बरस, पर जंग दा उत्साह अमित, तनुख विद्या विच कमाल दी प्रवीणता ते अपने सेना विच जो शरीर दे नाल दिल दा बल भरिया सी ना, वो उन्हां दी एक अनोखी कामयाबी सी। ऐसा सेनापति जिस दी सेना दा एक एक वीर तन दे टोटे करवा लेगा पर मन दा बली मैदान नहीं छड्डेगा। वैरी दल हुण जमुना पार कर चुका सी ते उरार आके परे बन खलोता अपने डेरे नूं। दया राम नूं नाल लैके श्री गुरु जी ने वैरी दल दी वंड नूं वेख्या कोख्या। खब्बे पासे पठाणी दल, सज्जे पासे राजां दी फौज खड़ी, फतेह शाह पिछे है जो सारे प्रबंध वेख रहा है। हरिचंद हंडोरिया सब तो वध के परे विच खड़ा सी। इस तरह की कोख पड़ताल मुकी ही सी के दक्षण दिशा वाल दूर धूड़ दिखाई दी। नंद चंद ने यह वेख के आके खबर दिती कि एक सेना आ रही जापती है। पहला तो मैं सोची पै गया हाँ, पर एक दूत ने खबर लिया के दिती है कि पीर बुद्धू शाह अपने 4 पुत्र ते 700 जवान लेके आया है। यह खबर सुन के आप बड़े प्रसन्न होए ते संगो शाह वाल हुक्म गया कि अपने वंड विच नवी सेना का प्रबंध विचार के बुद्धू शाह जी नूं दस देवो। बुद्धू शाह दी कुमक दी खबर सारे सिख दल विच फैल गई, जिस नाल एक नवा उत्साह जाग गया। सब दे दिल दुगने हो गए, उमा होर चढ़ गया। संगो शाह ने गुरु जी की सलाह नाल अपने दाओ काओ दे प्रबंध बधे हुए सन, रणथंभा गढ़ दिता सी। विचारां हो रही सन कि हमला असी एकदम करिए कि पहला वार शत्रु दा तकीए। इन्हें अचानक उपरों वार हो गया। संगो शाह वालों हुण बंदूकों की भरमार हुई, पर वो बड़े वेग विच उमड़े आ रहे सन और हवा वांग वेग बन्ने हुए अगे वध रहे सन। इधर दे बंदूकों की जमूरियां दे धुएं उन्हां नूं हनेरा पा रहे सन। उन्होंने तीर गोली निशाने ते घट बैठते सन, इधर दे बहुत निशाने बैठते सन, पर वो वधदे वधदे एक ऐसी टिकाने आए जिथे एक नीवे थां संगो शाह दे बंदूक ची लुके बैठे सन। इन्हां दियां परियां तोड़ेदार बंदूकों की एक वारगी झाड़ चढ़ी, 300-400 दे लगभग पहाड़िए उस थां ते सत्थर होके लिट गए। इस तों वधे आ रहे टिकाने ते पिछले ठिटक गए, इधरों फिर गोलियां चलिया, शिश्तां बधियां गईयां। इस तरह 200-300 पहाड़िया होर लिट गया। तां हरिचंद ने फौज नूं पिछे हटा लिया ते खब्बे पासे हो गया। फतेह शाह ने पुछया,
हरिचंद, गुरु पास ऐसी सीधी हुई फौज कित्थों आ गई? पठान तो उन्होंने छड़ के इधर आ गए हैं। हरिचंद ने कहा, इन्हों पठाणा सारा भेद मालूम है, इन्हों अगे करिए। सो भीखण खां नूं बुला के फतेह शाह ने कहा, तुसां नूं सिख दल का सारा भेद पता है, अगे वधो, हथो हथी लै लो, गुरु के खजाने की सारी लुट तुहाडी, असी हिस्सा नहीं मंगांगे। इस तरह के लोभ नाल वह पठाणा नूं अगे वधा लिया ते संगो शाह दे दल ते आ पिया। पठाणा दा दल हुण संगो शाह दे दल उत्ते बड़े जोश ते वेग नाल आ पिया। अगे भी संगो शाह सूरमा सी, आउंदियां दी खातर गोलियां दी बुछाड़ नाल बथाड़ा भन के रख दिता। जिस तेजी नाल आके पठान समझे सन कि असीं जित्तांगे, उन्हां दे पैर हिल गए, जड़ों पुट्टे गए। हुण दवली कोहर कंसान मच गया। यह देख के गुरु जी ने नंद चंद ते दया राम नूं कुछ फौज दे के संगो शाह दी कुमक लई कल दिता। इन्होंने ऐसे तीर चलाए जिस नूं लगा वह नहीं बचिया। इस टिकाणे संग्राम का जोर बहुत करड़ा हो गया। गुरु जी दे पास लाल चंद माही खड़ा सी। यह बड़ा पहलवान ते जोर वाला बंदा सी। सतगुरु तो आग्या लैके यह भी संगो शाह वाले थां ते जा पहुंचा। इस दे तीरां ने पहलवानी बल नाल कमालां दी छुट छुट के बड़े जवान मारे। इस दे तीरां दी मार ने दोहां पासियां तों वाह वाह लीती। सेनापति जी जो गुरु जी दे 52 कवियां विचों सन लिखदे हन, लाल चंद आन के कमान बाण तान के कीचुस सुध बली जान के पली 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 पही कियोस लोह लोहने ना जीव रख सोने सो चाल सूर सोवे बिसमोही बिसमोही। ए भी लिखा है कि लाल चंद दा युद्ध उदे युद्ध दे करतब देख के एक होर लाल चंद हलवाई भी शस्त्र लैके उस ठिकाने ते जा पुजा। पठाणा नूं ही पता सी कि पहला तां माही है, दूजा हलवाई है, ये किवें सूरमगति विच नित्र पए हन। हुण मारी चंद अगे वध्या इस तेजी नाल कि शस्त्र दल दे घेरे विच घिर गया। इसने अपने बलकार ते रोह विच कितने पठान मार छुटे। हुण घोड़ा जख्मी हो गया सी ते आप भी करीब करीब मारे जाण दी अवस्था विच पहुंच गया। पर संगो शाह ने डिठा कि भरा घेरे विच फस गया है। एकदम एक दस्ता सवारां दा लैके उत्थे पहुंचिया ते भरा नूं अपने घेरे विच लैके जिस तेजी नाल गया सी उसे नाल ही वापस मुड़ आया। इस तरह उस दे सलामत निकल जाण ते पठान बड़े हैरान हो रहे सन। इस गल नूं दवली सिखां दी फतेह दा पहला कदम समझिया गया। इस वेले दे युद्ध दे सूरमियां दे नाम ते जंग विच युद्ध दा संखेप वर्णन श्री गुरु जी ने आप अपने हत्थी लिखिया है। भुजंग प्रयाद शांत तहां शाह श्री शाह संग्राम कोपे पंचो बीर बंके पृथ्वी पाए रोपे हठी जीत मलंग सो गाजी गुलाबंग रणंग देखिए रंग रूपंग सहाबंग हठिंग माहरी संध्यंग गंग रामंग जिनै कित्यंग जित्यंग फौज तमामंग कुप्पे लाल चंदंग किए लाल रूपंग जिने गजियंग गर्ब सिंह अनूपंग कुप्यो महरू कहरू रूप तारे जिने खान खवीन जय खेत मारे कुप्यो देवत संग दया राम जुदंग कियो धर्म की ज्यो महा जुद सुदंग। जंग दा विचकारला मैदान पूरी तरह पखिया पिया से ते उपर कहे अनुसार डाढ़े कमसान विच सी। हेठाड़ दे पासे नूं बुद्धू शाह रोक पा रहा सी। नदी दे किनारे किनारे इस मैदान की लंबाई बहुत दूर तक सी। एक पासे नदी का पानी सी, एक पासे पहाड़ी की ढलान ते दोवां दे विचकार लंबा मैदान। ये पहाड़ी कुछ राजे सैना ते शेड़ां दा भारी जमघट इधर से, इसलिए ये हेठला पासा रोकना बहुत जरूरी से।
ਸੋ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰੁੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਇਧਰੋਂ ਵੈਰੀ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਜੰਗ ਵੱਲ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਨਾ ਅੱਪੜ ਸਕੇ। ਅੰਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲ ਬੰਨ ਕੇ ਮਿਲਵਾਂ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਲ ਤੇ ਵੀਰਤਾ ਨੇ ਬੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ। ਪੀਰ ਦੇ ਚਾਰ ਪੁੱਤਰ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਂਦੀ ਹੋਈ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਲੜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਹੱਲੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਕਿ ਵਧੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਜਵਾਨ ਮਾਰ ਕੱਤੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਸਾਰੇ ਨਾਕਿਆਂ ਦੀ ਖਬਰਦਾਰੀ ਕਰਦੇ, ਲੋੜ ਪਈ ਤੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਫੇਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹਾਲ ਦੇ ਨਿਗਾਹਬਾਨ ਖੁਦ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ, ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਵੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਦ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਪਹਾੜੀਏ ਕੱਟ ਗਏ ਤੇ ਰੋਕ ਪਾਈ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਟੋਲੇ ਨਾਲ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਚਾਲ ਨਾ ਚੱਲ ਕੇ ਸ਼ੇੜਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਪਹਾੜੀਏ ਘਬਰਾ ਕੇ ਪਿਛਾਂਹ ਨੂੰ ਉੱਠ ਭੱਜੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁਲੇਰੀਆ ਗੋਪਾਲ ਘਬਰਾਇਆ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੱਜ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਭਾਂਜ ਨਾ ਪਾ ਦੇਵੇ। ਦੂਜੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਪਿਛਾਂਹ ਨੂੰ ਭੱਜ ਉੱਠਣ। ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ। ਭੱਜਦੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਥਾਂ ਖਾਲੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪੁੱਜ ਕੇ ਉਸਨੇ ਵਧੇ ਆ ਰਹੇ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਲ ਨੂੰ ਰੋਕ ਪਾਈ। ਇਸ ਦੀ ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨੇ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਧੇ ਦਲ ਨੂੰ ਤੀਰਾਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਕ ਤੇ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਗਹਿ ਗੱਚ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਹੱਥੋ ਹੱਥ ਜਵਾਨ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਏ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਿਕਲ ਆਈਆਂ। ਪੀਰ ਦੇ ਮਰੀਦ ਬੜੀ ਵੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੜੇ ਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ, ਹੋਰ ਗੁੱਥਮ ਗੁੱਥਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਵੱਲੀ ਅੱਤ ਵੀਰਤਾ ਹੋਈ, ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾ ਪਿਆ। ਘੋਰ ਸੰਗਰਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਰੁਖ ਕੀਤਾ। ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਟੋਰਿਆ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਣੇ ਤੀਰਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਰਾਜੇ ਗੋਪਾਲ ਦੀ ਸੈਨਾ ਤੇ ਕਰਦਾ ਕੁੰਭਕ ਤੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚਾ। ਇਹਨਾਂ ਤੀਰਾਂ ਦੀ ਪਰਮਾਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਬੈਠਣ ਨੇ ਗੋਪਾਲ ਦੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੇ ਰੁੱਖ ਵੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਂਝ ਹੀ ਹਟਣਾ ਇੱਕ ਦਾਉ ਸੀ, ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਾਉ ਪੇਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮਰੀਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਦੂਰੀ ਤੀਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਨੇ ਗੋਪਾਲ ਦੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾਸਿਆ ਵੇਖ ਕੇ ਗੋਪਾਲ ਨੇ ਤੱਕ ਲਾਈ ਤੇ ਮਾਮੇ ਜੀ ਵੱਲ ਤੀਰ ਛੋੜਿਆ। ਜੋ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਪਰ ਲੱਗਾ ਉਸਦੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ। ਗੋਪਾਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਤੀਰ ਮਾਰ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਮਾਮਾ ਜੀ ਨੇ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਸੁਰਮਿਆ ਰੁੱਕ, ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੀ ਤੇ ਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਾ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਤੀਰ ਤੱਕ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਗੋਪਾਲ ਤਕੜਾ ਲੜਾਕਾ ਸੀ, ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਚੰਭਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆਪ ਤਾਂ ਬਚ ਗਿਆ ਪਰ ਮਾਮਾ ਜੀ ਦਾ ਤੀਰ ਘੋੜੇ ਦੇ ਕਰਨ ਫੂਲ ਤੇ ਜਾ ਵੱਜਾ ਤੇ ਉਹ ਲੁੜਖੜਾ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਗੋਪਾਲ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਆਪਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਧੱਸਿਆ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਟਿੱਕ ਕੇ ਖੜੋਤ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਰਲਾ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਘਮਸਾਨ ਮੱਚਿਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਖਾਲੀ ਸੀ। ਮਾਮਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਤੇ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਲੋਥ ਲੱਭ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਆਂਦੇ। ਇਉਂ ਗੋਪਾਲ ਦੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਹੌਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾ ਕੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਪਾਸ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਜਾ ਸੁਣਾਈ। ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੋ ਸਾਰੇ ਸੰਗਰਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਦਾ ਥਾਂ ਥਾਈ ਪੈਰ ਡਿੱਠਾ ਕਿ ਅਗੇਰੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦਾ, ਸਗੋਂ ਪਛੇਰੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਠਾਨ ਸਰਦਾਰਾਂ ਹਯਾਤ ਖਾਂ ਆਦਿਕ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਘੱਲਿਆ,
तन क्यों रण खेते देत नहीं, किस कारण आप बचावत हो, गुलकां सर क्यों न चलावत हो, कर हेल मिलो दल क्यों सा अबै, लुट माफ करी धन लेहो सबै, तनु तनु ही दिता लुट भी माफ, बंदूकां क्यों नहीं कढ़ दे, रण खेत विच क्यों नहीं आउंदे। ये सुन के हयात खां ते नजाबत खां इन्होंने अपना दल संभाल के हल्ला बोल दिता ते बड़ी तेजी नाल तीर वरसाउण लगे। इत ते उत ताए पराहत हैं, पिख अगर वदेओ ते मारत हैं, मुख मारे मार उचारत हैं, बरखा गुलकान सुडारत हैं, हंडिया समसीस फुटे सो गिरे, करशी जन हाथ कटत परे। ये हाल सिख दल दा उन्होंने किया। उधरों भी तीरां दी परमार ऐसी हुई कि अनेक खान धरती ते लेट गए। हयात खां बड़े जोरां नाल ललकारे मारे, दाव बचाए, तीर चलाए ते सारा ओझ लावे। ये देख के संत उदासी कृपाल जी गुस्से विच आके साहबा तो पुछन लगे, साहब जी हयात खां बड़ा बल पा रहा है, इसदे तीर भय पैदा कर रहे हैं, आग्या दिओ जो लूण हरामी नूं डंड दिया। साहबा ने मुस्कुरा के पुछया, तुसां पास कोई शास्त्र है, किंज मारोगे? तां संत ने बिनय कीती, कुत्का ए कांधे मोहे रहो, मम आयुध दीर्घ हाथ गहो, इस संग हयात प्रहार करो, तुमरो बल पाए रति न डरो, जह लो चल जाए न शोहरूंगो, एक वार करो सिर फोहरूंगो। मुस्कुराए प्रभ तब वाक कहो, हथ खान हयात हृदय सोच हो, बिदती जग मैं जिम भीम गदा, कुतका तिम जाने लोक सदा। ये सुन के साधु ने अपने घोड़े नूं अड्डी लाई ते हवा वांग उड़दा हयात खां दे पास जा खड़ोता ते ललकार के बोलिया, आ जे कोई सूरमा ते मेरे नाल लड़, पिठ ना मोड़ी जे खान दा पुत है ता, सन्मुख हो के देख, दो हथ तू खा दो हथ मैं विखावा। सुन खान मुरियो ललकारत ही, ज्यो नाग के पूछ है दाबत ही, तरवार निकारियो कोप करे, होए सन्मुख दोनों वीर लड़े। जदों ललकारा मारिया तां याद खां इस तरह पिछे मुड़िया जिवें किसी जख्मी सक दे पूछ ते पैर रख दियो, ते ओ अपने फन नूं फिर डंगण दी कोशिश करदा है वैरी नूं। ये नजारा देख के सब पासियां तो तीर तलवार खड़ो गए ते आश्चर्य हो तकन लग पए कि हयात वर्गे सूरमे नाल कुतकी वाला कौन लड़न आया है। इन्हें नूं हयात खां एक दाव तका के बाज दी फुरती नाल घोड़ा तरपा के साथ ते पिया बिजली वांग तलवार दा वार झाड़िया, पर साधु ने कुतके नूं ढाल दी थावे ऐं तलवार दे अगे कीता कि उस पर वार झल्लिया गया, तलवार टुट के टह पई ते खान आपा संभालण दे फिक्र विच पै गया। साध ने हुण बड़ी फुरती तो कम लिया, दोए रकाबां विच पैर दोए हत्थां नाल कुतका उभार के आसन तो जरा उछल के पूरी सेध बन के हयात दे सिर ते मारिया। इस जोर नाल ये जाके वजा कि हयात दा सिर फुट गया। इस वेले दा हाल गुरु साहब जी ने आप इउं लिखिया है, कृपाल को प्यं कुत को संभारी, हठी खान हयात के सीस चारी, उठी शिज इशं कड़ा मेज जो रंग, मानो माखनंग मटकी कान फोरंग। सिर टुकड़े हो जाण नाल हयात दा घोड़े तो उल्ट के जिमी ते डिग पिया ते घोड़ा उठ भजा ते होर पठान दौड़ के साधु नूं घेरना पै। इधरों जीतमल ने सवारां समेत अगे वध के साधु नूं अपने घेरे विच लै के बचा लिया। जंग विच इस वेले पूरा यहो जलाल वरत रहा सी। इस वेले जोरां विच हो रहे जंग विच दोन्ने पासे
जोर अजमाई हो रही सी। जदों हजात खां मारिया गया, इस दे मरने ने पठाणा दे शक्के छुड़ा दिते, पर भीखण खां ने समा संभालिया ते अपने घबरा के हिल रहे दल नूं जा वंगारिया कि सूरमे बनो, हार खा के ये कहाओगे कि साधा ते नेवियां जातां दे कमियां कोलों पठान हार गया। आओ वधो, मैं जो खड़ा हां, जिसने अज फतेह लैनी है ऐसी वंगार पा के, जिसने हरासे हो रहे पठान सावधान कीते ते अगे वध्या, नाल ही वध्या निजाबत खां। उधरों हजात की मौत देख के फतेह खां ने अपनी सेना नूं अगे वधाया। हुण फिर वैरी दल का जोर बहुत पै गया। हरिचंद हंडूरिया बड़े क्रोध विच आया। ये अपने समय का प्रसिद्ध तीर अंदाज से, इस दी तीरां ने गुरु दल का बहुत नुकसान किया, इतना कि हुण गुरु दल विच हलचल मच गई। ये देख के कि साहिब चंद जो इस पासे वालों बड़े हठ नाल लड़ रहा सी, अड़िया होया पिया सी, बड़े बल नाल युद्ध कर रहा सी, पर हुण पेश नहीं सी जा रहे। साहिबां ने नंद चंद नूं कुमकली तोरिया ते नाल ही दया राम अपना तुमल अगे आ रहे निजावत नूं रोकण लई लै गया। इन्हां ने ते इन्हां दे जत्थे ने ऐसे बाण मारे कि वधे आ रहे अनेकां टट्ठे। नंद चंद ते दया राम दे वधन ने अपनी सेना दा दिल वधाया ते फिर सारे जम के डट गए। नंद चंद ने हुण हल्ला करके एक पठान ते बरछी चलाई ते उस नूं प्रो के डेग लिया, फिर होर चलाई पर वह घोड़े नूं लगी ते उत्थे ही रही। नंद चंद ने हुण तलवार संभाली, सनमुख लड़िया ते पिछे नहीं मुड़िया। इस कोप भरी लड़ाई लड़द्या दो खान मार के तीसरे नाल लड़द्या इसकी तलवार भी टुट गई। छेती नाल इसने जमधर कढ़ी ते उसनों भी मार लिया। इसके हठ ने एक थलका मचा दिता। हुण नेड़े सी कि यह घिर जावे जां तीर दा निशाना बने कि दया राम ढुक के आ पहुंचा। इधरों साहबां ने अपने मामे कृपाल चंद जी नूं जो क्षत्रीपुणे की अणख विच परे हुए सी सहायता लई कल दिता। इसने अगे वध के घोर संग्राम किया। मामा जी नूं तीर भी कई लगे, जख्म आए, पर साई ने जान बचाई रखी। जख्म खा खा के भी मामा जी पिछे नहीं हटे, वध तो वध लड़े, इतने खान घोड़िया तो डेग मारे उतने पछां पजा दिते। सो साहिब चंद जो बड़े हठ नाल सटकाने अड़ रहा सी, ये कुमकां पा के अड़िया रहा। इस तरह बहुत ही पठान इन्हां ने मारे, केवल उह सिपाही बचे जो पिछे हट गए सन। इस थां ते हो रहे युद्ध विच भी सिखां ने अपना पासा भारा कर लिया। अनेकां वैरी मारे जो वध के आए सन, हुण पिछे हट गए। हरिचंद इस पासे कुछ पिछे हट के भीखण खां नूं टका के ते हौसला दे के संगोशा वाले पासे छेती नाल चला गया। साहिबां ने इस युद्ध नजारे का संखेप वर्णन भी इउं कीता है। तहां नंद चंद कियो कोप भारो, लगाए बरशी कृपाणक संभारो, टुटी तेग त्रिखी कड्ढी जम दडंग, हठी राखियंग लाज बत्संग सलडंग, तहां मात लिंग कृपाल क्रोधंग, शकियो शुभ क्षत्रि करियो युद्ध सुदंग, सहे देह आपंग महावीर बाणंग, करे खान बालीन खाली सथानंग, हठियो साहेब चंद खेतंग खतर आनंग, हने खान खूनी खुरासान पानंग, तहां वीर बंके भली भांत मारे, बचे प्राण क्लै के सिपाही सदारे। मैदान बड़ा लम्मा सी, थां थां मारो मार हो रही सी। फतेह शाह पारों उरार आ वध्या, पर लड़ रही सफा तो पिछे खड़ा सी। दिल छड़ के भज्जिया नूं मुड़ अगे टोरदा, कुमकां घलदा ते रण दे सारे पासिआं नूं संभालदा सी। जिस टिकाणे संगोशा लड़ रहा सी ना, उधर जोर हुण वध रहा सी।
जिस पासे बुद्धू शाह जी उधर भी युद्ध भारी सी ते पीर जी का एक पुत्र होर शहीद हो चुका से, पर पीर ने हौसला नहीं सी छड्या ते उसका दल उस पासे वाल मैदान विच डटिया युद्ध कर रहा सी। इस युद्ध विच कुछ वाकियत ऐसी होए जो पठाणा ते राजिया नूं दंग करन वाले सन। वो लोग जो जंग विच नहीं कदे गए सन उन्होंने ऐसी वीरता दिखाई सब दंग रह गए। गुरु जी दे वीर रसी जोश दा ए प्रभाव सी कि दया राम ब्राह्मण सूरमा बन गया। खैर ये ता शस्त्र विद्या निपुण हो गया सी। माही तक जी युद्ध करन विच मोरी हो गए। एक साधु ने उठ के मुखी पठान सरदार नूं मार लिया। एक हलवाई लाल चंद का जिक्र है, पुस्तकों विच आम मिलता है कि युद्ध का रंग वेख के वह मैदान विच जा कुद्या, जिसने एक अमीर खान नामे पठान नूं जा वंगारिया ते हथों हाथी की लड़ाई करके उसनूं मार दिता। हरी चंद नजाबत आदि पठाणा नूं एक टिकाने खड़ा करके संगोशा वाले पासे जा पिया सी। इसनूं इह दिश रहा सी कि जे इह पासा भारू पै गया तो साडी निश्चय हार हो जाएगी। संगोशा इत्थे बड़े जोर दा युद्ध कर रहा ते शस्त्र मार रहा सी। गोपाल राजा सूरम गति विच अजे ताईं खड़ा सी। इह हाल देख के हरिचंद इधर लपकिया, उधरों मधकर शाह चंबेली भी इधर आ गया। हरिचंद ने आके बड़ी वीरता दे तीर वाए, जिसनूं लगे मरे। इसने अनेक वीर गुरु जी की सेना दे मार लै। तद इधरों जीतमल जी हरिचंद नूं वाधा वेख के उस नाल जुट पै ते आमो सामने दाओ काओ ते वार होण लगे। हुण फतेह शाह दा इशारा आ जाण करके निजाबत खां भी इधर आ गया ते आउंदा ही संगोशाह नाल जुट गया। जीतमल ने केसरी चंद नूं तीर मारिया पर वह घोड़े का तत्सिन पैंतला बदल के बच गया। फिर दाओ काओ कर दिया, टरदे ते टार दिया दोहां ने तीर ऐसे चलाए, दोहां दे घोड़िया नूं लगे, दोनों डिगे, फिर दोनों संभले, फिर तीर चले, दोने जख्मी होए पर थोड़े थोड़े, फिर तीर दोहां दे चले। हरिचंद ता ऐसा कारी पिया कि जीतमल दा अंत हो गया, पर हरिचंद नूं ऐसी थां लगा कि वह मूरछा खा टठा ते उसनूं साथी चुक के लै गए। इधरों गुरु के जोधे जीतमल जी की लोथ नूं चुक के गुरु जी पास लै आए, जिस दी सूर वीरता नूं गुरु जी ने बहुत सलाया ते आशीर्वाद दिते। उधर जद मूर्छित हरिचंद नूं लै के गए तां फतेह शाह बहुत दुखी होया। इस दे पास बहुत घेरा कत के शस्त्रधारी आ गए। भीम चंद भी इत्थे कु ही सी कि राम सिंह ने जो गुरु जी दे पास गोल अंदाज सी एक तोप चलाई जो उसने लक्कड़ दी खेली खोद के बनाई सी। गोले ने उस भीड़ विच कुछ कु नूं मारिया ते बाकी दे डरदे भजे। फतेह शाह भी पिछे हट गया ते नदी पार हो घोड़े ते सवार होके भज गया। इस नूं मैदानों जांदा वेख के मधकुर शाह डडवालिया ते जसवालिया भी अपनी सेना लैके भज गए। इस समय दा हाल श्री गुरु जी ने संखेप विच इउं लिखिया है, तहां शाह संग्राम कीने अखारे, कणे खेत मैं खान खूनी लतारे, नृप गोपालिन खरो खेत गाजै, मृग झुंड मध्या मनो सिंह गाजै, तहां एक बीरंग हरिचंद को प्यो, भली भांत सो खेत मैं पाप रोप्यो, महाक्रोध कै तीर तीखे प्रहारंग, लगे जोन के ताहे पारे पादारंग, हरिचंद क्रोधंग हने सूर सुदंग, भले बान बाहे बड़े सैन गाहे, रसंग रुदंग राचे महा लोहो माचे,
हने शस्त्र धारी लिटे भूप भारी तवे जीत मलंग हरिचंद पलंग हिरदे ऐंच मार्यो सो खेतन उतार्यो। लगे वीर बाणन ऋषियो तेज मानन समूह बाज डारे सो सुरंग सिदारे। खुले खान खूनी खुरासान पकगन परे शस्त्र तारं उठी चाल अगन। पई पीर पीरं कमान कड़के गिरे बाज तागी लगे तीर तके। बजी पेर पुंकार तुमके नगारे दोहों ओर ते वीर बंके बकारे। करे बाहो आकात शस्त्रंग पहारंग डक्की डाकनी चावड़ी चीतकारंग। कहां लगे बर्णन कहो मचियो जुद अपार ले लुज्जे सुज्जे सबै भज्जे सूर हजार। भज्यो शाह पहाड़ ताजी त्रपंग चलियो बीरंग तीरंग ना चलायंग। भज्यो डडवालन मदकर सो शाहंग भजे संग ले सो सारी सपाहंग। इस तरह अपने साथियों नू लैके मैदान छड के पिछाण मूह करके भज उठे। ये तां कहर हो गए पर हरिचंद जिस नू होश आ गई सी ते गाजी चंद चंदील ई ना नठे सगो सूरम गति नाल मरना सफल समझ के अड़े रहे। उधर पठान भी ना भजे वो भी मैदान विच अड़े हुए सन। हुण इन्हां ने एक मिलवा हमला किया। इधरों दया राम नंद चंद गोपाल राय गंगा राम ऐसे योधे हुण वधे ते हौसले नाल लगे मैदान वल भजे। खूब लड़े लड़े नहीं अड़े भी ते घमसान मचिया। गाजी चंद चंदेल इन्ने रूह विच सी कि अगे अगे वधदा गया। इस दे हथ सेला सी जिस नाल इसने अनेकां वीर परोते ते कायल करके पछाड़े। इस तरह वधदा वधदा ये संगोशा ते आ पिया पर उस सूरमे दे अगे पेश ना गई। टुकड़े होके तरह ते डिगा ते अपना स्वाम धर्म पूरा निभा गया। गाजी चंद की मौत ते निजावत खान दे दिल कटकदा रोह भरिया। ये कुछ खान गुस्सा लैके तेजी नाल अगे वध्या ते सिद्धा संगोशा उत्ते जो अज दे रण दा गुरु जी की आग्या विच सेनापति से उहदे उत्ते आ पिया। निजावत खान ते संगोशा गुरु जी दे द्वारे कदे कट्ठे सन। एक दूजे नूं सियाणदे सन कसरतां वी कट्ठियां करदे सन। दोवें खूब लड़े इस वीरता नाल युद्ध होया कि दोहां लई अश अश हो उठे। छेकड़ निजाबत दा शस्त्र टिकाणे पिया। संगो जी मरमे जख्म खा गए पर जोश विच इतने सन कि वार मोड़वां झाड़िया ते निजावत खां होरी मारे गए ते उधर संगोशा होरी भी टठे ते सुरगां नूं सुधार गए। इस युद्ध नूं साहिबां ने संखेप नाल ऐं वर्णन किया है। चकिरत चौपियो चंद गाजी चंदेलंग हठी हरि चंदंग गहे हाथ से लंग करियो स्वामी धर्मंग महा रोस चुरयंग। गिरियो टूक टूक है किदो सूर जुजंग तहां खान निजाब तो आन कै हन्यो शाह संग्राम को शस्त्र लैके। किते खान बहेन हूं अस्त्र चारे सही शाह संग्राम सुरंग सिदारे। मार निजावत खान को संगो जुजे जुझार हा हा ए लोक पयो सुरग लोक जयकार। संगो शाह जिस वीरता नाल अज लड़िया फतेह दा ढेर हिस्सा उसकी दूरदर्शता ते फिर अमुड़ वीरता दा फल सी। उस पर प्रसन्न होके साहबा ने उसनु शाह संग्राम दा नाम बख्शिया। जिवें संगू का प्रभ ने तरियो नाम शाह संग्राम तैने प्रकर्म अस कियो तब पायो जिह नाम। उसने सूरबीरता ही ऐसी कीती सी।
जिसनों इस तो घट बख्शिश भी की कीती जा सकती सी। शाह संग्राम जंग दा नायक शाह संग्राम की मौत तो हुण युद्ध की अगवाई सारी साहबा ने आप अपने हत्था विच ले ली ते तीर कमान लैके अगे वधे। उधरों खाना दा शंगो साह दे मारे जान ते हौसला वध्या ते नजाबत दे मारे जान तो गुस्सा वध्या। वह अगे वधे आ रहे सन घाट तो अजे वेथते सन कि उपरले मैदान दी इस घाट ते वधवी गुट ते जा गुरु जी ने तीर छोड़िया जो अगे वधे आए जथेदार पठान ते लगा ते ओ थां मर गया। फिर दूजा तीर संभाल के आपने सीधिया ते पीखण खां दे मूंह ते तक के मारिया। यह तीर खान नू जख्मी करके घोड़े विच तस गया। घोड़ा टह पिया ते खान डर के घबरा के पिछे नू भज गया। तीजा तीर फिर चलिया इस नाल एक होर टठा ते घोड़ा भी टठा। इन्ने चिर तक हरिचंद दी मूर्छा हट गई उसनों जख्म कारी नहीं सी सिर नूं धमक ने बेहोश किया सी पर सी उंज ओ जख्मी। होश आई ते उस डिठा कि इस पासे हार हो रही है फतेह शाह टुर गया है भीम चंद कलूर अगे नहीं आता होर राजे पिछे पैर सट रहे हैं दो त्रै पठान सरदार मारे गए ने नजाबत खां जख्मी होके भजा है। तद इस नूं सूर वीरता का रोह चढ़िया ते अपने सवार अपनी अगवाई च लेके अगे वध तुरिया। इसने तीरां दी ओ बरखा कीती जिसनूं तीर लगा ओ नहीं बचिया दो दो बाण खिच के इसने एक एक वार मारे सूरमे नूं लगे जां घोड़े नूं जिसनूं लगे पार पै गया। इस युद्ध वेले दवली फिर जुटवां जंग मच गया। इओं मारदा वधदा हरिचंद हुण उत्थे आ गया जिथे कि गुरु जी पार उसका तीर टिकाने बैठे। सो उसने सन के तीर मारिया ये गुरु जी दे घोड़े नूं लगा। दूजा तीर उसका शिश्त बन के आया पर साई की मेहर गुरु जी दे कन्न नूं छो के निकल गया वजा नहीं। हरिचंद फुरतीले ने हुण तीजा बाण तक के निशाना सीध के मारिया ई लक दी पेटी विच खुबिया अंदर शरीर नूं छोया पर चुंज मात्र थोड़ी जी चुभी वड्डा घाव नहीं लगा। हरिचंद नूं जिंदगी विच अज अपनी तीरअंदाजी ते डाढ़ा हिरख होया कि तीन तीर अचूक मारे पर गुरु जी दे दाओ बचाउणी चपलता किस कमाल दी है कि वाल वाल बच जाते। गुरु जी लिखते हैं कि जब तीसरा बाण सानू लग गया तद साडा भी रोह जाग गया जब ए बाण लग गया तब ऐ रोस जाग गया। त्रै वार वैरी सुरमे दा वार चलना बड़ी खुल दिली वाली वीरता है। हुण आपने भी खिच के तीर मारे इस वेले वीर अगे वधे ते बाणा दी मिलवी झाड़ चढ़ी फिर एक तीर सीध के आपने मारिया जो हरिचंद नूं लगा ते ओ जवान थाऊं गया। हरिचंद मारे गया वेख के उसदे साथी ते बाकी खानवान सब उठ नठे। कोट लहर दा राजा भी मारिया गया ते गुरु जी दी फतेह हो गई। यह सारा हाल सतगुरु जी ने आप एवं संखेप करके लिखा है लखे शाह संग्राम चुजे जुजारंग तवंग कीट बाणंग कमाणंग सबारंग हन्यो एक खानंखे आलंग खतंग डस्यो शस्त्र कु जान श्यामंग पुजंगंग गिरियो भूम सो बाण दूजो संभार्यो मुख भीखंग खां की ताक मार्यो भज्यो खान खूनी रहो खीत ताजी तजे प्राण तीजे लगे खां बाण बाजे छुट्टी मूर्छना हरिचंद संभारे गहे बाण कमान के ऐंच मारे लगे अंग जाके रहे न सभारंग तनंग त्याग ते देवलोकंग पधारंग
ਦੋਇਓ ਬਾਣ ਖੈਂਚੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਾਰੇ ਬਲੀ ਬੀਰ ਬਾਜੀ ਇੰਤਾਜੀ ਬੇਦਾਰੇ ਜਿਸੇ ਬਾਣ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨਾ ਸੰਭਾਰੰ ਤਨੰਗ ਬੇਦ ਕੈ ਤਾਹੇ ਪਾਰੰਗ ਸਿਧਾਰੰ ਸਵੈ ਸੁਆਮ ਧਰਮੰ ਸੋ ਬੀਰ ਸੰਭਾਰੇ ਡੱਕੀ ਡਾਕਨੇ ਭੂਤ ਪ੍ਰੀਤ ਬਕਾਰੇ ਹਸੈ ਬੀਰ ਬੈਤਾਲ ਔ ਸੁਧ ਸਿਧੰ ਚਵੀ ਚਾ ਵੰਡਿੰਗ ਉੱਡੀ ਸਿਧਿਦੰ ਹਰੀ ਚੰਦ ਕਰੂਪੇ ਕਮਾਨ ਸਵਾਰੰ ਪ੍ਰਥਮ ਬਾਜਿਅੰ ਤਾਣ ਬਾਣੰ ਪਹਾਰੰ ਦੁਤੀਏ ਤਾਕ ਕੈ ਤੀਰ ਮੋਕੂ ਚਲਾਇਆ ਰੱਖੀ ਉਦਈ ਮੈਂ ਕਾਨ ਛੈ ਕੀ ਸਿਧਾਇਆ ਤ੍ਰਿਤੀ ਬਾਨ ਮਾਰੀ ਉਸ ਪੇਟੀ ਮਜ਼ਾਰੰ ਬਿਦਿਨ ਚਿਲਕੰਤ ਦੁਆਲ ਪਾਰੰ ਮਾਧਿਅੰ ਚੁਬੀ ਚਿੰਚ ਮਰਮੰ ਕਸ਼ੂ ਕਾਇਨ ਆਇਆ ਕਲੰ ਕੇਵਲ ਜਾਲੰ ਦਾਸੰ ਬਚਾਇਆ ਜਬੈ ਬਾਨ ਲਾ ਗਿਓ ਤਬੈ ਰੋਸ ਜਾ ਗਿਓ ਕਰੰ ਲੈ ਕਮਾਣ ਹਨੰਗ ਬਾਣ ਤਾਣੰ ਸਵੈ ਬੀਰ ਤਾਏ ਸਰੋਗੰ ਚਲਾਏ ਤਬੈ ਤਾਕ ਬਾਣੰ ਹਨਿਓ ਏਕ ਜਾਣੰ ਹਰੀ ਚੰਦ ਮਾਰੇ ਸੋ ਜੋਧਾ ਲਤਾਰੇ ਸੋ ਕਰੋੜ ਰਾਇੰ ਵਹੇ ਕਾਲ ਕਾਇੰ ਰਣਨ ਤਿਆਗ ਭਾਗੇ ਸਭੈ ਤ੍ਰਾਸ ਪਾਗੇ ਭਈ ਜੀਤ ਮੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਕਾਲ ਕੇਰੀ ਰਣੰਗ ਜੀਤ ਆਏ ਜਯੰ ਗੀਤ ਗਾਏ ਧਨੰ ਧਨ ਤਾਰ ਬਰਖੇ ਸਭੈ ਸੂਰ ਹਰਖੇ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਦਾਈ ਪੀਰ ਉਪਾਸ਼ਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਦ ਕਲਮ ਫੜੀ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਸੂਰਮਾ ਉਹਦੀ ਸੂਰਮ ਗਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੂਰਮੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੂਰਮਗਤਾਈ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਸੀਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਕਮਾਲ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤੀਰ ਅਜਾਈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚਿੱਲੇ ਚਾੜਿਆ ਤੀਰ ਉਹ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਵੱਜਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਐਸੀ ਕਮਾਲਤਾ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਖੁਦ ਦੇਖੀ ਹੈ ਇੱਧਰ ਹੁਣ ਭਾਜੜ ਪੈ ਗਈ ਸਭ ਭੱਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਬੇੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜ ਚੜ ਨਦੀ ਨੂੰ ਤਰ ਤਰ ਕੇ ਲੱਕੜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਸੱਟ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋ ਦਾਅ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਸੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਲੈ ਕੇ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਠਿਲ ਠਿਲ ਕੇ ਤੁੱਲਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਨਾਲ ਪਾਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਪੂਤ ਪਠਾਨ ਸ਼ੀੜਾਂ ਵਾਲੇ ਲੁੱਟਖੋ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਹੀਰ ਗੁੱਜਰ ਤੇ ਹੋਰ ਪਰਜਾ ਨੇ ਵਹੀਰਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜੋ ਆਏ ਸਨ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗਏ ਸਿੱਖ ਦਲ ਹੁਣ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਉਮੜਿਆ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੱਕ ਮਾਰ ਲਈਏ ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਮੋੜ ਮੰਗਾਇਆ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਸੀ ਸੰਗੋ ਸ਼ਾਹ ਜੀਤ ਮੱਲ ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹੀਦ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਦਾਹ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਦਫਨ ਤੇ ਕਫਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸੋ ਗੁਰੂ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੇ ਮਿਹਰ ਭਰੇ ਨੈਣਾ ਹੇਠ ਤੇ ਅਸੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਕਰਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵਿਜਈ ਦਲ ਤੇ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਸਮੇਤ ਪੌਂਟੇ ਆ ਗਏ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਪੌਂਟੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਰਾਮ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਦੀਵਾਨ ਸੱਜਿਆ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਚੇ ਆਦਰਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਤਰੂ ਦਲ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਦਿੱਤੇ ਆ ਪੈਣ ਦਾ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਲੱਕ ਦੂਰੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਨ ਨਾ ਪੈਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਦੱਸੇ ਵੀਰਤਾ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀਰ ਰਸ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਰਸ ਦਾ ਸੰਮੇਲਨ ਸਮਝਾਇਆ
जदों तक कोई उकसाउंदा नहीं है तदों तक शांत चित रहना चाहिए। जे कोई वादा भी करे तो उसनु शांति विच उत्तर देना चाहिए। फिर भी ना समझे तो उसनु वार्निंग देनी चाहिए। ते जे हाथ जोड़े दी इज्जत ना रखे पत ना रखे तो फिर वीर रस विच भी उसनु जवाब देना योग है। अंतर आत्मे जोत नाल एक जोत हो उच्चे रह के सुचे आचरण विच वीर रस दा वर्ताओ किवें करना ये दस्या। फिर उन्हां लई असीसां ते आशीर्वादां होईआं जो शहीद होए सन उन्हां लई सुख मंगिया गया। पिछे परिवारां नूं भी हौसला दिता गया। यह भी लिखा है कि पहले आसा दी वार लगी सी फिर पोथी साहब दा पाठ दा भोग पाया कड़ा प्रसाद वरताया क्योंकि गुरु घर विच रीत आई है। जरूर ही सतगुरु जी ने इस रीत उत्ते पहरा दिता। हुण जो सूरमे बहादरियां करके जिउंदे आए सन उन्हां ते मेहरां होईआं सतगुरु जी ने सिरपाओ दित्ते। सैना दे सारे सूरमियां नूं धन दान दिता ते फिर भूआ जी दे त्रै पुत्तां जो बच रहे ते बड़े सूरमे होके लड़े सन उन्हां उत्ते मेहरां होईआं। शहीद होयां नूं वरदान ते शाह संग्राम आदि नाम बख्शे गए। पौंटे ही वड्डे साहिबजादे दा जन्म होया सी। उन्हां दी उमरा इस वेले लगभग कोई 4-5 महीने दी सी। अज दे दीवान विच उन्हां दा नाम युद्ध दी जित करके अजीत सिंह धरिया गया। लौडे पैर गुरु जी इशनान करके तैयार हो रहे सन कि बुद्धू शाह ने विदा मंगी। बुद्धू शाह ते बहुत आत्म मेरा होईआं। उन्हां दे साथियां मरीदां नूं वक्रे तौर ते सतगुरु जी ने 5,000 मोहरां उन्हां दे निर्भाव उन्हां दीआं खुशियां वास्ते बख्शिश कीती। हुण आप कंगा कर रहे सन के सवार रहे सन कि बुद्धू शाह ने एक कंगा दान मांग लिया। तद सतगुरु जी ने वो दान ककरेजी दस्तार सने दे दिता जो छोटी दस्तार वड्डी दस्तार दे थले सवारी जांदी है। इंज कह लिए कि अपने अंग दा वो कपड़ा पड़दा बुद्धू शाह नाल सांझा कीता। एक पोशाक एक हुक्मनामा भी बख्शिया। फिर साहब सारे वीर बहादुरां दी संभाल करके महंत कृपाल ते भी त्रुटे हन। आपने दूसरी दस्तार केसरी रंग दी बनन वास्ते मंगवाई ते फिर अद्धी ओ कृपाल महंत नूं भी बख्शी। महंत जी ने ओ अपनी टोपी दे उपर दी बन ली। इस प्रकार दया राम नूं भी एक ढाल बख्शी। सूरमियां विच हुण चाओ सी ते फतेह नाल दिल वधे हुए उमा जागिया होया सन ते उन्हां दी मनसा सी कि फतेह शाह दे पिछा करके उस नूं हराया जावे। पर सतगुरु जी ने हौसले विच रहिंदिया और अपने मतहत सिख फौज नूं अपने जाबते विच रहिंदिया समझाया कि ना अबला ते मजलूम ते भजे जांदे वैरी ते कदी भी हमलावर होना नहीं। ई गुरु दी आग्या है गुरु दी बख्शिश है गुरु दी सिख्या है। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।